तो कैसे हैं, उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए कुछ नया ट्राई करते हैं। आज मैं जा रही हूँ मैदे का रोल बनाने। इसमें लगने वाले इंग्रेडिएंट्स हैं 300 से 400 ग्राम के लगभग में मैदे हैं, 200 ग्राम के लगभग चीनी है, नारियल का बुरादा है। मैंने 200 ग्राम के लगभग खोया लिया था, जिसको मैं गैस ऑन करके पैन में चढ़ा करके इसको अब मैं भूनूंगी। आप देख सकते हैं मैंने खोए को भून लिए है। अब मैं इसे हटा करके ठंडा होने के लिए रख दूंगी। अब तक मैंने पैन चढ़ा लिए हैं। आप देख सकते हैं इसमें मैंने थोड़े से पानी, आधे गिलास के लगभग मैंने पानी डाल दिया। इसको हल्का सा गर्म करूंगी और इससे मैं आटे गूंथूंगी। आप देख सकते हैं इधर मैंने, देखिए मैदे को मैंने इसमें 2 से 3 चम्मच के लगभग आप रिफाइंड डाल लें और इसे अच्छे से मिक्स कर लें। उसके बाद जो पानी गर्म होंगे उससे मैं इसे गूंथूंगी। पहले इसे मैं मिला दूंगी। इधर मैंने चीनी को ग्राइंड कर लिए हैं, जो आप देख सकते हैं। हमें आटा गूंथ करके आप लोग को बताऊँ, क्योंकि पानी अब गर्म हो चुके हैं। देख सकते हैं पानी मैंने गर्म कर लिया है। फिर पानी इसमें ऐड हो जाएंगे। ऐसे आप भी मिला लें, इसे मुट्ठी बन की तरह बंधने लगे। इसका मतलब है कि आटे अच्छे से गूंथ मिक्स हो चुके हैं। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके आप गूंथ लें। अब आप देख सकते हैं कि मैंने खोए को ठंडा कर लिया है। अब इसमें आप तो बुरादा मैंने मिक्सी में पीस लिया है। आप भी इसी तरह चीनी का बुरादा पीस ले। इसमें ही मैंने 3 से 4 इलायची के तोड़ करके डाल दिया है। इसमें आप भी इसमें डाल ले। और मैंने नारियल का बुरादा जो था उसे भी मैं इसमें मिक्स कर लूँगी। देख सकते आप भी इसी तरह अच्छी तरह से इसको मिक्स कर ले। पूरे मैंने चीनी इसमें ऐड कर लिए। देख सकते हैं इसी तरह मिक्स करें। इधर आप देख सकते हैं कि मैंने ये आटे जो हैं इनको मैं गूंथ ली हूँ। थोड़ा सा गर्म पानी करके आधे कप के लगभग, आधे से थोड़े से ज़्यादा पानी मुझे लगे हैं इसे गूंथने में। 2 मिनट के लिए मैंने इसे रेस्ट पे डाल दिए हैं। अब इसे मैं फिर से गूंथ लूँगी। आप देख सकते हैं मैंने फिर से इसे गूंथ लिया है। इसी तरह आप भी गूंथ लें। अब इसकी मैंने छोटी छोटी लुइयाँ बनाऊंगी। जो आप देख छोटी लुइयाँ आप भी कर लें। आप देख सकते हैं मैंने लुइयाँ कर ली है छोटी छोटी सी। और अब मैं इसे बेल लूँगी। आप देख सकते हैं इसी तरह आप भी इसे बेल लें। इसे बेलने में ज़्यादा अधिक पतला भी ना करें। और मैं इसे अब हल्का सा कट लगाती जाऊँ। आधे में ही आप कट लगाएं इसे और धीरे धीरे, क्योंकि मुझे इसे रोल का शेप देना है, इसलिए मैं इसको इस तरह से कर रही हूँ। आप थोड़े से ये फिलिंग जो है इसमें डालते जाए, ध्यान रखें किनारे पे फिलिंग ना आए, नहीं तो खुलने का डर है, क्योंकि इसे मैं फ्राई भी करूँगी। आप देख सकते हैं इसी तरह इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको, लेकिन बड़ी सावधानी से ये करें आप। देखिए ऐसे आप भी चिपकाते जाए इसे। आप पानी भी यूज कर सकते हैं, हल्का सा पानी भी ले सकते हैं इसे चिपकाने के लिए। इसे मैंने लिए हैं हल्का सा, जो वैसे ज़रूरत नहीं पड़ती है पानी की, लेकिन थोड़ा सा लगा दें तो ये और चांस बहुत कम ही चांस रहेंगे इसे खुलने के में। देखिए इसी तरह आप सावधानी से इसे, देखिए इसी तरह से आप इसको होल्ड करते जाएँ। देखिए कितने सुंदर ये रोल का डिज़ाइन बन चुका है। मैं इसे इसी तरह से फिल करूँगी। नेक्स्ट गोलियाँ भी इसी तरह आप बना लें। आप देख सकते हैं मैंने इधर फिर इसको आप इसी तरह बेलें और इसी तरह से फिर से कट करें इसे। देखिए इसे देख सकते हैं इसी तरह से आप भी कट करें। देख सकते हैं इधर मैंने फिलिंग डाला, आधे में आप फिलिंग डालें हाथ में इस तरह से। और इसे फिर से मैं इसे फोल्ड कर लूँगी। इसको हल्का सा भी इसी तरह से फोल्ड करें, थोड़ी पूड़ियाँ बड़ी रखें। देख सकते हैं इसको फिर इधर से मैं फोल्ड कर लूँगी। आप देख सकते हैं, देखिए
इधर से आप फोल्ड कीजिए इस तरह से। अब इसे मैं ऐसे फोल्ड करती जाऊंगी, देखिए इस तरह से आप भी फोल्ड करें इसे, और ये इस तरह के शेप में बन जाएंगे। आप देख सकते हैं मैंने इधर चार पांच बना लिए हैं, इधर तेल भी गर्म हो चुके हैं जो आप देख सकते हैं। इधर मैंने तेल को भी गर्म कर लिए हैं, तेल हल्के गर्म हो चुके हैं। अब मैं इसमें को डालती जाऊंगी, एक एक करके आप डालते जाएं। देखिए देख सकते हैं मैंने इसमें सबको डाल दिए हैं, और इसे हल्के देर पर धीमी फ्लेम पर ही से आप सेकें, इस तरह से तेज फ्लेम ना करें, नहीं तो ये अंदर से अच्छे से सिकेंगे नहीं और फंसते भी नहीं बन पाएंगे, इसलिए इसे ऐसे ही थोड़ी थोड़ी देर पर आप चलाते रहें। इसे पिंक होने तक इसे आप, तब तक मैं दूसरी पूड़ियाँ फिल करके फिल करना आप लोग को बताती हूँ। इधर देखिए मैंने लोई लिए हैं, इसे मैं फिर से बेलूँगी, देख सकते हैं इसी तरह से आप भी बेल लें इसे। देख सकते हैं बिल चुके हैं, इस तरह से इसको सीधी कर लें, हाफ में आप कट लगा दें, इस तरह से कट लगाते जाएं, इस तरह से अधिक पतला भी ना करें। आधे में मैं इस तरह से आपको बताई थी उसी तरह फिर से फिल करें इसको, इस तरह से ध्यान रखें कि किनारे पे फिलिंग ना आए, नहीं तो हमने काटा है। अब इस तरह इसको अच्छे से दबाते हुए फिल करते जाएं, देखिए इस तरह से फिल करें, इस तरह से। इसमें थोड़ी सी सावधानी बरतनी होती है, ध्यान देना होता है कि ये देखिए इस तरह से इसे मैं अब इसे ऐसे करके रोल करते जाएं, देखिए इस तरह से कितने सुंदर शेप इसकी आ रही है। आप देख सकते हैं इधर मैंने ये देखिए इसको भी बीच बीच में आप चलाते जाएं, नहीं तो एक तरफ पिंक होने लगेगा, एक तरफ का वाइट ही रह जाएगा, इसलिए इसे बीच बीच में देखना ज़रूरी। आप देख सकते हैं अभी मैं इसको कर करके आप लोग को दिखाती हूँ कितना। आप देख सकते हैं दोनों तरफ से बहुत ही अच्छे से पिंक कलर में हो गए हुए हैं। अब मैं इसे छान लूँगी, देख सकते हैं इसे आप प्लेट में ट्रांसफ़र करके इसे सर्व करें, और नेक्स्ट पीस को मैं इसमें एक एक करके डालते जाएं, इसी तरह से डालते जाएं इसे भी। आप देख सकते हैं कितने क्रिस्पी और इंटरेस्टिंग अच्छे नाश्ते हैं। इसे आप बनाएं या इसे कोई फेस्टिवल में बना करके एंजॉय करें, और इसे भी आप इसे बना सकते हैं, होली में भी आप इसे बना करके मेहमानों को सर्व कर सकते हैं। आप लोग भी ट्राई करें और कैसा लगा ये रेसिपी प्लीज़ मुझसे शेयर करें, और अच्छा लगे वीडियो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कॉमेंट कीजिए। थैंक यू।